हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, एंड इसलिए हम लोग ने असर्शन रीजन, केस बेस्ड, ट्रीटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड, हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, सेकंड पार्ट में आपको अगेन 50 एमसीक्यूज में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन हमारा जाता है कि द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय कैरिंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर रिजल्ट्स इज नोन एज। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इंप्लीमेंट कर रहे हो प्लान्स को, क्लैरिफाई कर रहे हो वर्किंग रिलेशनशिप्स को, तो बेटा ये सिर्फ एक ही चीज में होता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाता है। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, जब भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को कभी मत गिनना, उसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं ना उसको गिन लो। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए देखता हूँ तो वो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि रिटेलर हमेशा लास्ट में आता है कस्टमर के पहले। बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर कंज्यूमर को ही बीच में रख दिया, वो भी गलत हो जाता है। सी की बात करता हूँ तो कंज्यूमर को तीसरे नंबर पर रख दिया, वो भी गलत बात हो जाती है। जो डी होता है ये हमारा सही है, कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके बाद होलसेलर आता है, वो रिटेलर को देखता है और उसके बाद फिर वो जो है कंज्यूमर तक माल पहुँचाता है। तो डी इज अवर राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर बोला गया है डैश हैज बीन एस्टैब्लिश विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडीमेड मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेडीमेड मार्केट यहाँ पर कौन लेकर के आता है? तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है डिस्काउंट फाइनेंस, हाउस ऑफ इंडिया, ये तो पता नहीं, शायद पढ़ा ही नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो भैया यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रेडीमेड मनी मार्केट लेकर के आता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता। सेबी जो होता है वो कैपिटल मार्केट देखता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डिस्काउंट फाइनेंस, हाउस ऑफ इंडिया। तो अगर आपको सही ऑप्शन ना पता हो तो तीन गलत ऑप्शन निकालने की हमको कोशिश करना है। 14 पे चलते हैं तो आता है कि राहुल वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ रेक्सटर लिमिटेड विच आर बीइंग ट्रेडेड एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ही फील्स दैट शेयर प्राइस विल गो अप इन द फ्यूचर, विच ऑफ द मार्केट ही शुड अप्रोच। तो यहाँ पर किसको अप्रोच करना चाहिए, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या फिर बोथ BNC? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है दैट इज सी, सेकेंडरी मार्केट। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन लगा देंगे, बट बेटा प्राइमरी मार्केट में कभी भी आपकी जो सिक्योरिटीज का प्राइस नहीं बढ़ता, वो तो भैया लिस्ट कर रहे हैं अपन, तो जिस भी प्राइस पे यहाँ पर कंपनी लिस्ट करना चाहे वो कर देती है। ओके, अब 15 क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो वैल्यूज आर जर्नल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी फाउंड बाय बेसिस ऑफ कॉमन प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशंस। ठीक है, जो भी बोला गया है बहुत अच्छे से देखा है तो मतलब सही ही होगा। स्टेटमेंट 2 बोला गया है कि वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज कैन नॉट बी निगलेक्टेड एज बिजनेसेस हैव टू फुलफिल सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन कहा जाता है दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर बात, सी ऑप्शन आपका सही है। 16 पे चलते हैं तो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डेवलपमेंटल फंक्शन बताना है, तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट, यही आपका डेवलपमेंटल फंक्शन हो जाता है। सो ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 17th क्वेश्चन आता है कि द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स विच इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। जब मैंने बताया था, जब भी आप लोग की कंपनीज इमेज को प्रोटेक्ट करने की बात आती है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली बेटा पब्लिक रिलेशन पे यहाँ पे लगा देना है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि द लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ द चॉकलेट शोन इन द पिक्चर बिलो इज। तो यहाँ पर हमको जो है चॉकलेट है डेयरी मिल्क जैसे आती है, उसके ऊपर की पैकेजिंग को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग नहीं, डिजाइनर पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर डी ऑप्शन प्राइमरी पैकेजिंग यस, क्योंकि सबसे पहली पैकेजिंग होती है ना जो कि प्रोडक्ट के साथ हमेशा रहती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, स्मूथ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू अ सिंगल अकाउंट इन शेयर्स, डीमेट सिक्योरिटीज कैन बी प्लेस्ड और हाइपोथेटेड हाइपोथिकेटेड टू गेट लोन्स।
ठीक है, नो डेंजर ऑफ लॉस, थ्रेट ऑफ फॉर्जरी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट्स या फिर एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, पहले तीन जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव हैं, पर जो लास्ट पॉइंट है वो ऑड वन आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो नेगेटिव बोल रहा है। तो फिजिकल शेयर्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलेंगे। तो डी इज आर राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर फिर से मैच द कॉलम। तो यहाँ पर हमारे बैरियर्स की बात की गई है, तो सिमेंटिक बैरियर्स आपके जाते हैं सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग से, साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिस्ट्रस्ट में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स स्टेटस, और पर्सनल बैरियर्स लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दैट्स इट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर जॉब ऑफर इज। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जॉब ऑफर के बाद क्या आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जॉब ऑफर ही मिल चुका है, तो यहाँ पर हमको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सो डी इज आर राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है कि इन प्लानिंग जर्नली मैनेजर्स हैव टू फॉलो द प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इट। द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्री डिटरमाइंड प्लान जो होते हैं एक बार बन जाते हैं तो उनको अपन चेंज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर पाते हैं, गारंटीड सक्सेस नहीं देते हैं, रिजिडिटी यहाँ पर क्रिएट करते हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि चेंज नहीं कर पा रहे हो। अब हम लोग थर्ड पर चलते हैं, तो आता है कि आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि हमको इस पिक्चर में बताया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर AM यूनिवर्सिटी लिखा गया है और यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। तो जब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर बिना देखे आप लोग जो कैंपस रिक्रूटमेंट है सी ऑप्शन, उस पर यहाँ पर क्लिक कर दोगे। अब जो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ पे आती है, दैट इज जिसकी लास्ट लाइन पर हम लोग चलते हैं, तो आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स की बात की गई है। अब सर जल्दी से चलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोएडा सेक्टर 15 डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइजिंग दिवाली मेला ऑन द ईव ऑफ दिवाली। दिवाली मनाना चाह रहे हैं। दे लिस्टेड ऑल द एक्टिविटीज टू बी डन, ग्रुप्ड देम एज पर देयर नेचर एंड असाइन द ड्यूटीज टू डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर क्या किया है कि अच्छे से ग्रुपिंग और डिविजन हर चीज यहाँ पे कर दी है। After completion of the mela, it was found that it was not a success. Success यहाँ पे नहीं था, खत्म हो गया, ठीक है। While analyzing the reasons, the president of RW found that mere allocation of work was not enough in the organization. यानी कि अच्छे से allocate यहाँ पर नहीं किया गया था काम। He found that important step in the organizing process was missing. तो कौन सा step missing था? Assignment of duties, establishing authority responsibility relationship, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो सारी चीजें इन लोगों ने अच्छे से करी थी, यहाँ पर ड्यूटीज भी अच्छे से दी, डिवीजन ऑफ वर्क भी दे दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी किया, बस इन लोगों ने एक चीज अच्छे से नहीं करी, दैट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक केस स्टडी आती है, तो लास्ट लाइन पे चलते हैं, तो हमको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट यहाँ पे बताना है। अब हम लोग फर्स्ट लाइन पे नहीं, डायरेक्ट सेकंड लाइन पे चलते हैं, क्योंकि वहीं से यूजुअली जो केस स्टडी है वो स्टार्ट होती है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नाउडेज पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, sensing the need they were the first to bring the market a new anti-pollution W98 mask. तो basically वाले mask लेके आए थे, उसके लिए इतना सारा चीज लिख देते हैं, which was not helpful in combating the pollution but also increasing the life expectancy of people. तो बहुत अच्छा चल रहा था। The new venture saw a massive success as there was no competitor. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा business environment की बात की गई है। So यहाँ पर business environment helps to identify the threats and early warning signals. Business environment helps in tapping resources. Business environment helps in improving performance. या फिर business environment enables the firm to identify the opportunities and getting first mover advantage. तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से case study को देखते हैं, तो इन्होंने बोला था कोई भी competitor यहाँ पर नहीं है और इन लोगों ने first mover advantage यहाँ पर ले लिया है। तो correct option यहाँ पर क्या हो जाता है, D यहाँ पर हो जाता है। ओके, सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आता है फिर से केस स्टडी जो बड़ी सी है, पर लास्ट पे चलते हैं, तो लास्ट लाइन बोल रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन लोग सेकंड लाइन पे। 50 ऑफ द टीचर्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर हेडमास्टर एंड 60 टीचर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द जूनियर हेडमास्टर। नो टीचर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर हेडमास्टर इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, विच इज अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द सीनियर क्लासेस। On the other hand, the teacher working under the supervision of the junior headmasters are performing their duties willingly and achieving their objectives. All the teachers are happy and satisfied. तो यहाँ पर basically feeling की बात हो रही है कि एक जगह पर जो teachers है वो satisfied नहीं है, एक जगह पर satisfied है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Management is a goal-oriented process
मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। क्लियर है बात? तो फीलिंग की बात करें तो यहाँ पर इंटेंजिबल फोर्स पे लगा देना। नाउ एट्थ पर चलते हैं, तो अगेन लास्ट यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमको बताना है। अब हम लोग सेकंड लाइन से पढ़ते हैं, सो दीज यूटेंसिल्स आर लाइट वेट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड कैन बी डिस्पोज ऑफ ईजिली इंस्टेड ऑफ क्लीन एंड रीयूज, बट प्लास्टिक यूटेंसिल्स आर हार्मफुल फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्रिएट वेरियस एनवायरमेंटल इशूज। नाउ हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड इज बिकमिंग पॉपुलर। जब भी इन्वायरमेंट की बात की जाए, सोसाइटी की बात की जाए, मैंने हमेशा बताया है आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा देना है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजी या फिर पॉलिटिकल। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो अपना बी ऑप्शन है सोशल करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स माइट बी अचीव्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि आपकी जो प्रोग्रेस उसको मेजर कर रहा होता, बार बार मेजर कर रहा है कि भाई सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाता है, दैट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। डी पर चलते तो आता है कि ए एन स्टेशनरी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी लाइक पेंसिल्स, इरेजर, जेल पेन्स, बॉल पेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, द प्रोडक्शन मैनेजर घनश्याम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन विच ही मेजर्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेज प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टेड पीसेज इन अ बैच। बाय डूइंग दिस ही इज परफॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे चेक कर रहा है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। जब भी ऐसे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं तो क्या आता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्लानिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कंट्रोलिंग। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं तो आता है कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ क्लास रूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स डेट आर यूज टू बी डेट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज बाय दैम इन द डे टू डे वर्किंग्स इज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग एक वर्क एनवायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस में होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन या फिर अप्रेंटिसशिप। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी यहाँ पर स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दैट इज कि स्टेटमेंट वन बोल रहा है, फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एनी टू पार्टीज। तो यहाँ पर दो पार्टीज होना चाहिए, बायर और सेलर, जब भी आपको कुछ चीज बेचना है। सही बात है यार। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस इवन बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप दुकान पे जा रहे हो, दुकान वाले को बता ही नहीं पा रहे आपको क्या चाहिए, तो क्या यहाँ पर एक्सचेंज हो पाएगा? तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, टू करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं तो मैच द कॉलम आता है। मैच द कॉलम करने से पहले एक बार ऑप्शन को देख लेना। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो पी के लिए सेकंड, वन, थ्री, फोर लिखा, यानी कि सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैच कर देनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा क्वालिटी से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हो तो इट एम्फेसिस ऑन क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इंश्योर्स प्रोडक्ट एंड थस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो फर्स्ट का आपका सेकंड होगा, तो आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन पे चलते हैं तो आता है कि द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस मार्केट वे सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहाँ पर किस में होता है, सेफ्टी ऑन ट्रांजेक्शन्स, प्राइसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि जब अपनी सिक्योरिटीज जो है वो बाय और सोल्ड हो रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है उससे। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं उसको कैश में कन्वर्ट यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मार्केटिंग फंक्शन विच इंक्लूड्स अ प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा स्पेसिफाइज द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज। तो यहाँ पर बोला गया है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया था कि हम इंक्रीज कर रहे हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन को और प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि सारी चीज़ें किस में आती हैं। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी बी, मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात की गई है, द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा पढ़ते हैं तो द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ये बिल्कुल सही है। द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ SEBI इज टू इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये भी ठीक है।
The objective of Security Board Exchange of India include protecting the rights and interests of the investors and educate them. ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है that is A, जो कि आपका incorrect है. 17th question आता है कि the use of debt increases the financial risk of a business. The factor determining the choice of appropriate capital structure of a company is highlighted above in the statement is. तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि आपकी debt जो है कितनी financial risk आपकी बढ़ा रही है, या आप किस में देखते हो? Debt to service coverage ratio, रिस्क कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ डेट, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहां पर जो पॉइंट आता है दैट इज आपका बी, रिस्क कंसिडरेशन. तो भैया रिस्क को तो रिस्क में ही देखोगे, तो यहां पर बी हो जाता है. हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. तो आता है क्या सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ वैल्यू विद अदर्स इज नोन एज मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, ब्रांडिंग, या फिर पैकेजिंग. देखो इजी तो बहुत है, समझ में भी आ गया होगा, या तो मार्केटिंग या तो मार्केटिंग मिक्स है. पर यही एक प्रॉब्लम है कि सिमिलर ऑप्शंस देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है. तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना अपन को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल्स प्रमोशन. इनकरेक्ट की बात की गई है. इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर डिजाइन टू इंक्रीज बायर्स टू मेक एन इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं सेल्स प्रमोशन में. तो यस, ये करेक्ट हो जाता है. इट इंक्लूड्स ऑल प्रमोशनल एफर्ट अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन. बिल्कुल सही बात है. इट इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव टू बूस्ट द सेल्स ऑफ द फर्म. ये थोड़ा तो मुझे लग रहा है. इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सप्लीमेंट अदर प्रमोशनल एफर्ट्स सच एज एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग. तो यहाँ पर सारे पॉइंट सही हैं, सिर्फ जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाता है. क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता सेलिंग में तो भैया बेचो और निकलो वाली बात आपकी हो जाती है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी. फाइनेंसिंग डिसीजन को जो नहीं करता है, कॉस्ट करता है, रिस्क करता है, कैश फ्लो पोजीशन भी करता है, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपका नहीं करता है. तो डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डिविडेंड डिसीजन में आता है. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट इज कि द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन. तो यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या होता है, जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन टेस्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो हम सब लोग जानते हैं कि बी, मेडिकल एग्जामिनेशन इज द राइट आंसर. तो देखते हैं कि सबको सही से चल रहा है या नहीं. तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर आते हैं दैट इज कि द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर फ्यूचरिस्टिक. तो क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर इवेंट्स की बात की जा रही है तो डी इज आर राइट आंसर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें हमको बोला गया है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताओ. यहाँ पर एक फैक्ट्री का गेट बताया गया है और इसके ऊपर बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड अनिवार्य योग्यता 10वीं पास. तो ये अपन की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर. तो करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि गेट पर जब भी लगा देते ना तो बेसिकली छोटी मोटी पोस्ट के लिए यहाँ पर रहता है. तो आज से गेट देखना शुरू करना, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है केस स्टडी का, जिसमें अगर हम लोग लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है. अब यहाँ पर बढ़ते हैं तो कार्टूनी प्लैनेट इज अ वेल नोन इंडोर प्लेग्राउंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज फॉर चिल्ड्रेन इन नोएडा. इट हैज मेनी प्ले स्टेशन एंड इट ऑर्गेनाइजेज वेरियस एक्टिविटीज फॉर द किड्स टू एंजॉय. ठीक है. Looking at the increasing number of children visiting Cartoony Planet, a new indoor playground in the name of Tiny Toad's House, तो एक competitor है, came up with advanced swings, playstations and entertainment activities near Cartoony Planet. तो इसने क्या किया, अपने competitor को देखते हुए नई यहाँ पर advanced चीजें लेकर के आ गया. To compete with the newly opened indoor playground, Cartoony Planet also added some advanced swings and entertainment activities to attract more children. तो बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटिटर को देखते हुए इन लोगों ने अपने आप में चेंज किया है. तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी, या फिर इंटर रिलेटेडनेस. तो जब भी चेंज वर्ड आपका आता है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे डायनेमिक नेचर पे क्लिक कर देना है. अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज कॉल्ड. तो यहाँ पर असाइंड ड्यूटी आपको करना ही करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन. तो करेक्ट आंसर इज बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है डोलमा. तो डोलमा से मुझे याद आया कि एक डोलमा आंटी के मोमोज होते हैं दिल्ली में, वो बहुत अच्छे होते हैं. एनीवे, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर बोला गया है कि डोलमा एंड ऊना वर गार्डनर्स विथ डिकेड्स ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस. दे वर द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द इंडोर गार्डन स्पेशली फॉर द प्लांट लवर्स लिविंग इन अपार्टमेंट्स.
they took off this opportunity and decided to offer beautiful designing ideas for the indoor gardening through their innovative venture MySpace. MySpace offered creative ideas like garden wall, hanging garden, window garden, bookshelf garden, many more. Since there was no competitor, soon they become the market leaders of their field. तो basically यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन लोगों ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया और यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया? बिजनेस environment helps to identify threats and early warning signals? नहीं. बिजनेस environment helps in tapping useful resources? ये भी नहीं होगा. बिजनेस environment enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage? ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर नहीं थे, सबसे पहले इन लोगों ने ये काम किया है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है. अब अगर हम लोग सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर डिजी लॉकर की बात की गई है. सो डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट सच एज अकेडमिक सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर बोला गया है कि अबव पैरा किसके बारे में बता रहा है, कौन सा डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है. और यहाँ पर एक चीज़ है कि इन लोगों ने दो चीज़ें साथ में दी है, दो डायमेंशन की यहाँ पे बात की गई है. तो देखो, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐप की बात की जा रही है, वेबसाइट की बात की जा रही है. इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी जुड़ जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डी यहाँ पर सही हो जाता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एट क्वेश्चन आता है, दैट इज कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स. तो यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हर बार आ रहा है, तो भैया अच्छे से पढ़ लेना है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स. ज़ीपो इज एन अपकमिंग रिटेल चेन फॉर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स डोर टू डोर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है. एलआई इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी. मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन या फिर इनटैंजिबल फोर्स. सो द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. अब टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आता है कि हिमांशु इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड सुविदित एयर कंडीशनर इज अ वेल नोन ब्रांड इन द फील्ड ऑफ एयर कंडीशनर्स. टिल लास्ट मंथ ऑफ द कंपनी वॉज एबल टू अचीव द सेल्स टारगेट, बट द मंथ हिमांशु ऑब्जर्व द टारगेट वर नॉट बींग मेट एंड द नंबर ऑफ एयर कंडीशन सोल्ड वर्स डिक्रीजिंग. He analyzed the situation and found that the new salesman appointed last month was not good and he took necessary action. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, planning, organizing, directing या फिर controlling? So again यहाँ पर बात की जा रही है आपके controlling की. तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले analyze किया, उसका फिर corrective action लिया, तो ये सब controlling में आता है. इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो 11th question आता है कि the activities whose outcome not only improves the job performance but also help individual in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities is known as training, education, development या फिर performance appraisal. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, overall development की बात कर रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाता है, C, development. अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट टू की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बाय द वे आफ्टर सेल्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैंडलिंग कंप्लेंट्स. तो ये बिल्कुल गलत रहता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो बिकने के बाद भी आप सारी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे. तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है बट टू इनकरेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है एक मैच द कॉलम. अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पर मैच करेंगे. तो अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर चॉइस ऑफ टेक्निक मेरे को अच्छे से आता है. तो चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब होता है या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव. थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव के बारे में बात की गई है, लेबर इंटेंसिव के बारे में बात की गई है. मैं डायरेक्टली जो आपका डी है उसका थर्ड नंबर लगा दूंगा. सो डी का 3 आपका ए ऑप्शन में आता है. सो ए इज योर राइट आंसर. ऐसे करके आप लोग यहाँ पे जल्दी मैच द कॉलम कर सकते हो. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आता है, डैश रिफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट. तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो प्रॉफिट को अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने को किसमें आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्लियर है बात. आगे बढ़ते तो जाता है 15th क्वेश्चन.
द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर अ प्रमोशन विच इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आपको पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पर डायरेक्टली आपको टिक मार्क लगा देना है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि कैपिटल मार्केट रिफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू एंड इंटरमीडिएटरी। ये आपका डायरेक्टली गलत हो जाता है क्योंकि ये तो प्राइमरी मार्केट में होता है, इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस या फिर डायरेक्टली फॉर सेल, आप ऑफर फॉर सेल कर देते हो। तो यहाँ पर बी इज योर इनकरेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है दैट इज अ नेम टर्म साइन और सिंबल डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप्स ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर इज नोन एज ब्रांड, ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम या फिर ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है आपका पूरा जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांड अगर आप बना लेते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, 18 पे चलते तो आता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स पास फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर इन टर्न सेल देम टू द फाइनल यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर की बात की जा रही है। तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को अपन नहीं गिनते हैं, बीच में से एक रिटेलर आ रहा है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन आता है वन लेवल चैनल। अब नेक्स्ट पर चलते तो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पर बोला गया इट इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग दैट इन्वॉल्व्स अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी एक डायरेक्ट एक रिलेशनशिप बनती है। इट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिजाइन टू एनकरेज द बायर टू मेक अ इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपने ध्यान से एमसीक्यूज को सॉल्व किया गया हो तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेल्स प्रमोशन का पॉइंट है। तो यही अपना गलत हो जाता है। तो बी इज आर राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ डेट, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पर कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है उसको सारी चीज़ इफेक्ट करती हैं सिवाय ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के, क्योंकि वो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर बी इज आर राइट आंसर। तो फाइनली हम लोग ने अपने 50 MCQs को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एंड ये जो MCQs हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। अगर आप हमारी और एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो इन वीडियोस पे क्लिक कर दो। एंड इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।